जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चलेंगे गवर्नमेंट जिना इस्लामिया कॉलेज के पास से सिद्ध डालो वाली सियालकोट, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। लें बाइक हो गई है स्टार्ट, तो अभी पहनते हैं हेलमेट, बैग को रखते हैं आगे और अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्ध ब्रिज के मुकाम पर, जिसे नाला पलखू भी कहते हैं, और ये डालो वाली में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरजी पुल अवामुल नास के लिए खोल दिया गया है, ट्रैफिक बहाल है। और ये पुल के नीचे आप देख सकते हैं, आरजी पुल के नीचे, कि ये जो गुज़िश्ता पुराना पुल था उसका मलबा है। और जब ये पुल टूटा था तो ये मलबा पानी के नीचे था, और पानी का लेवल इतना हाई था कि ये मलबा नज़र नहीं आ रहा था। और अभी लेवल आप चेक कर सकते हैं कि कितना लो है, और इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे व्लॉग में बताता हूँ। जी दोबारा अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ सिद्ध के मुकाम पर, ब्रिज है, पुल है, जिसकी कवरेज करने आया हूँ। तो आपको बताता हूँ कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, और उसके बाद पुल तमीर भी हो गया है। तो आप काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी मैं आपको पुल के नीचे की वीडियो दिखाता हूं, और जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही हुई है, उसकी वीडियो भी आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो यहां से अब हम उतरेंगे नीचे, और फिर मैं आपको पुल के नीचे की वीडियो दिखाता हूं कि क्या सीन हुआ है जब यहाँ पर सलाबी रेला गुज़रा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और आपकी नज़रों के सामने है। देखें पुल की हाइट आप चेक करें, और अभी पानी की हाइट चेक करें, वो सामने आपको पुल की हाइट नज़र आ रही होगी, और कितना सारे का सारा पुल टूट के नीचे गिर गया है। और अभी पानी का लेवल चेक करें, जिस दिन ये पुल गिरा था उस दिन ये सारी की सारी फ्लैप्स जो आपके सामने अभी पुल की नज़र आ रही हैं, ये सारी पानी में डूबी हुई थी, और काफ़ी लेवल हाई था पुल का, पानी का। और अभी जो पानी का लेवल है काफ़ी लो हो गया है, और फिर भी पानी की तुगियानी काफ़ी ज़्यादा है, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। और ये आप पुल के मनाजर देख सकते हैं नीचे से।